नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं निशा। बात करेंगे बड़ी खबरों में कौन सी खबर रही सुर्खियों में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रम वीरों को दी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की बधाई। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सभी श्रम वीरों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं एवं उनके सुखमय और उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। यह दिन श्रमिकों के मेहनत समर्पण के सम्मान का दिन है। श्रमिक हमारे समाज का अभिन्न अंग है और विकास की आधारशिला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिख तालाबंदी के कारण हो रही वित्तीय कठिनाइयों से अवगत कराया। बघेल ने प्रदेश में जरूरतमंद लोगों को राहत देने और राज्य के कामकाज के संचालन और विकास गतिविधियों के लिए अधिक आर्थिक संसाधन जुटाने उद्देश्य के राज्य को इस वर्ष उधार की सीमा जीएसडीपी के 6% तक शिथिल करने, इस साल जीएसडीपी का 5% के बराबर रखने की सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया। देश के जिलों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांटा गया। मध्य प्रदेश में 9 तो छत्तीसगढ़ में 1 जिला रेड जोन में। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच अब सरकार ने देश के जिलों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांटने का काम किया है, जिसके अनुसार देश में कुल 130 जिलों को रेड जोन में रखा गया है। वहीं 284 जिले ऑरेंज में तो 319 जिले ग्रीन जोन में है। बात करें छत्तीसगढ़ की तो यहाँ थोड़ी राहत है, सिर्फ राजधानी रायपुर को रेड जोन में रखा गया है। वहीं कोरबा जिले को ऑरेंज जोन में रखा गया है। वहीं अन्य 26 जिलों को ग्रीन जोन में बांटा गया है। छत्तीसगढ़ में 3 जिलों में 3 मई तक पूर्ण लॉकडाउन, कलेक्टर ने जारी किए आदेश। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से बेमेतरा और मुंगेली जिले के बाद बस्तर में भी 3 मई तक पूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है। इस संबंध में कलेक्टर डॉक्टर अय्याज तंबोली ने आदेश जारी किया है। लॉकडाउन के बीच चली स्पेशल ट्रेन, 1200 मजदूरों को लेकर तेलंगाना से झारखंड हुई रवाना। कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूर और छात्र देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हैं। लॉकडाउन में फंसे 1200 मजदूरों को लेकर तेलंगाना से झारखंड के लिए पहली स्पेशल ट्रेन आज यानी शुक्रवार को रवाना हुई। 27 मई से पहले होंगे महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव। समाचार एजेंसी एनआई की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय चुनाव आयोग ने शुक्रवार को फैसला लिया कि महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव 27 मई से पहले होंगे। महाराष्ट्र के मौजूदा राजनीतिक संकट के बीच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने चुनाव आयोग से विधान परिषद की 9 खाली सीटों पर चुनाव कराने की गुजारिश। लॉकडाउन बढ़ा तो टूटेगी 280 साल की परंपरा या बिना भक्तों के निकलेगी रथ यात्रा। लगभग 280 साल में ये पहला मौका होगा जब कोरोना वायरस के चलते रथ यात्रा रोकी जा सकती है। ये भी संभव है कि रथ यात्रा इस बार बिना भक्तों के निकले। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय नहीं है। 3 मई को लॉकडाउन के दूसरे फेज समाप्ति के बाद ही इसके आगे की स्थिति को देखकर इस पर निर्णय लिया जाएगा। इरफान खान और ऋषि कपूर के निधन के बाद कुलमित मक्कड़ का निधन, करण जौहर ने ट्वीट कर दी जानकारी। प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के सीईओ कुलमित मक्कड़ का निधन हो गया है। 60 साल के कुलमित का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ है। इस बात की जानकारी फिल्म मेकर करण जौहर ने ट्वीट करते हुए दी है। कतर फीफा वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर आदिल का टेस्ट पॉजिटिव। फुटबॉल के लिए एक बुरी खबर, कतर फीफा वर्ल्ड कप ब्रांड एम्बेसडर आदिल खामिस का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप नवंबर-दिसंबर 2022 में होना है। कोरोना वायरस के बीच 7 नए स्टेडियम तैयार किए जा रहे हैं। आदिल खामिस कतर टीम से खेल चुके हैं। उन्होंने सूडान के खिलाफ 2000 में आखिरी मैच खेलकर संन्यास लिया था। आइए आपको वास्तु के टिप्स बताएं। आप घर पे जहाँ पे भी आपका मुख्य द्वार हो या 3 दरवाजे एक सीध में हो, तो 3 दरवाजे जब एक सीध में होते हैं तो उसमें एक दोष आता है, उसके लिए आप विंड चाइम का उपयोग कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र में वो घंटियाँ आपने देखी होंगी, विंड चाइम, ये सुर लहरी बोलते हैं इसको। इसको आप पर्दे के पास या खिड़की के पास हैंग करके रखें, उस पर हवा से वो अपने आप हिलता है और उसमें एक आवाज़ आती है जिससे घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र होता है और सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवाह होता है। तो आप देखिए मार्केट में विंड चाइम मिलता है, आप ज़रूर उसको स्थापित करें।